हेलो बच्चों, कैसी तैयारी चल रही है? लास्ट लेक्चर पूरा देखा कि नहीं? ओके, सो लास्ट जो लेक्चर था जस्ट बिफोर दिस, उसमें हम लोगों ने कवर किया था कि रेट के बेसिस पर रिएक्शन कितने टाइप से कैटेगराइज है. दूसरा, रेट डिफाइन किया था. फर्दर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज है इसको भी हमने डिफाइन किया था. नाउ इस लेक्चर में नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट रेट लॉ, कि रेट लॉ आखिर क्या चीज है. ठीक है, तो चेक करते हैं. रेट लॉ, तो देखो, रेट लॉ जब डिफाइन कर रहे हैं तो हमें ऑलरेडी पता है कि रिएक्शन में किसी एक कंपोनेंट का रेट दिया गया है तो दूसरे का रेट कैसे निकालेंगे. अब अगर डायरेक्टली रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन वगैरह नोन है और रेट बताना है रिएक्शन का, तब कैसे निकालेंगे. तो ये रेट लॉ की मदद से हम लोग चेक कर सकते हैं. तो रेट लॉ जो है, बेसिकली सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है, ये कोई रिएक्शन दी गई. अब इस रिएक्शन में हमें दिख रहा है कि स्मॉल ए बी तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट है, कैपिटल ए बी प्रोडक्ट है. तो देखो, रेट लॉ ये बोलता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट उसमें इन्वॉल्व कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है. किसी भी रिएक्शन का रेट उसमें इन्वॉल्व कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है, और कंपोनेंट्स टू द पावर, कंपोनेंट्स के जो एक्टिव मास हैं, एक्टिव मासेस टू द पावर सम कोफिशियंट इन टर्म्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. किसी भी रिएक्शन का रेट उसमें इन्वॉल्व कंपोनेंट्स पर डिपेंड करेगा, और कंपोनेंट्स के जो एक्टिव मास हैं उनकी एक्टिव मास टू द पावर सम कोफिशियंट इन टर्म्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. अच्छा, हमें ऑलरेडी नोन है कि एक्टिव मास रिएक्शन में इन्वॉल्व कंपोनेंट का वो मास है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम इसको कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी एज वेल एज प्रेशर की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंपोनेंट. और जितनी भी बात हम करते हैं वो सारी डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस के लिए होती हैं. तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस के लिए हम कंसंट्रेशन को ही एक्टिव मास के बराबर ले सकते हैं, या प्रेशर को ही एक्टिव मास के बराबर ले सकते हैं इन केस ऑफ गैस. ठीक है, तो अब रेट लॉ की बात करें तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंपोनेंट्स के एक्टिव मास टू द पावर सम कोफिशियंट इन टर्म्स के प्रोडक्ट के. अच्छा, एक्टिव मास को यहाँ इस केस में हम कंसंट्रेशन की फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं, मोलरिटी की फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं. तो हम ऐसे लिख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर सम कोफिशियंट इंटू कंसंट्रेशन बी टू द पावर सम कोफिशियंट. अब अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है, इसको हम के से डिनोट करते हैं. तो आर इक्वल टू के ए टू द पावर एन बी टू द पावर एम. अब देखो बच्चों, ये जो इक्वेशन अपने पास आ रही है ये रिएक्शन के रेट को बताती है, और इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ. दिस इज रेट लॉ. अब रेट लॉ में जो टर्म इन्वॉल्व है वो क्या क्या है, क्या मतलब है इनका? तो देखो, आर जो है दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है. के जो है दैट इज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन. स्क्वायर ब्रैकेट में ए और बी जो लिखे हैं दीज आर मोलैरिटी. रिएक्टेंट्स ए एंड बी की मोलरिटी है, और जो कोफिशियंट आ रहे हैं एन एम दीज आर कॉल्ड ऑर्डर, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी. और इनका सम अगर देख लें एन प्लस एम, तो दिस इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन.
ठीक है, टर्म्स का ये मीनिंग है। अच्छा अब यहां ध्यान से देखना कि भाई ये जो आर रेट है ये आखिर रेट है कैसा, एवरेज है या इंस्टेंटेनियस है। आर जो रेट है वो किस तरीके का रेट है, एवरेज की इंस्टेंटेनियस। तो ध्यान अगर दें तो ये किसी भी इंस्टेंट पर रिएक्टेंट्स की कंपोनेंट्स की कुछ कंसंट्रेशन होगी और उस इंस्टेंट पे ये रेट को डिफाइन कर रहा है। तो आर जो यहां इन्वॉल्व है दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। यहां पे जो आर इन्वॉल्व है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। अच्छा अब कई लोगों के दिमाग में आएगा भाई सर यहां पे ये ए और बी ही क्यों आए, पी क्यों नहीं आया। भाई पी भी आ सकता है, कोई भी कंपोनेंट जो रिएक्शन में इन्वॉल्व है वो इस रेट लॉ में आ सकता है, चाहे वो कैटलिस्ट हो वो भी आ सकता है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड रेट लॉ की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सिंप्लीफाइड रेट लॉ की। आगे जब हम लोग कॉम्प्लेक्स रेट लॉ पर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तब वहां इन चीजों को भी देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स रेट लॉ में कौन कौन से कंपोनेंट किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो रेट लॉ लिखा है दिस इज सिंप्लीफाइड रेट लॉ या सिंपल रेट लॉ बोल सकते हो इसको। क्लियर है पॉइंट। अच्छा ये जो एन और एम है पावर्स है, अब ये पावर एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की जाती है, ये हम डायरेक्ट किसी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि पावर क्या होगी, ये टर्म एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटीज है, ठीक है ना। तो कभी किसी रिएक्शन को देख के डायरेक्टली हम इनके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है भाई, अगर मान लो ये कंपोनेंट गैस फेज हैं, सपोज कि ये कंपोनेंट गैस फेज हैं, तो इसी रेट लॉ को हम चाहे तो मोलरिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे तो पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमें सपोज एग्जांपल दिया है ए गैस प्लस बी गैस से प्रोडक्ट कोई बन रहा है और सिंपल रेट लॉ ही लिख रहे हैं, तो ये रेट लॉ प्रेशर के टर्म्स में अगर लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर के टर्म्स में इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर एन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर एम। इसी को चाहे तो कंसंट्रेशन की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन है इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन बी टू द पावर एम। अब ये आरपी इक्वल टू आरसी होगा क्या, आरपी आरपी बता तो सेम चीज को रहे हैं आरपी और आरसी, बट दोनों इक्वल नहीं होंगे बिकॉज उनकी यूनिट्स अलग हैं। इसी तरह तुम यहां रेट कांस्टेंट प्रेशर के टर्म्स में और रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिख रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल वैल्यू आए, वो हो सकता है डिफरेंट निकल जाए वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि दोनों की यूनिट अलग अलग है तो अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो रेट लॉ को प्रेशर की फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन की भी फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ रेट लॉ हो गया। अब देखो रेट लॉ जब हमने समझ लिया तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हम रिएक्शन को कैटेगराइज करने वाले हैं उसमें इन्वॉल्व जो भी नंबर ऑफ स्टेप्स हैं उनके बेसिस पर। तो भाई कई रिएक्शन होती हैं जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं और कई सारी रिएक्शन है जो एक से ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स लेती हैं कंप्लीट होने के लिए। तो कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है रिएक्शन में उसके बेसिस पर रिएक्शन को हम दो टाइप से कैटेगराइज करते हैं। तो दो टाइप से रिएक्शन को कैटेगराइज कर रहे हैं, ये जो कैटेगराइजेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन। रिएक्शन में कितने स्टेप्स हैं, कितने स्टेप में हो रही रिएक्शन उसके बेसिस पे। पहला तो हम ले रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन को हम सिंपल रिएक्शन भी बोलते हैं और दूसरा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो फर्स्ट है एलिमेंट्री रिएक्शन एंड सेकेंड है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।
तो देखो एलिमेंट्री किसको बोलेंगे, अगर मान लो कोई रिएक्शन ऐसी है जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है, एक ही स्टेप में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल टकरा के कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है दैट इज कॉल्ड सिंपल रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन जो है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। अच्छा, अब कौन सी रिएक्शन एलिमेंट्री होगी, कौन सी कॉम्प्लेक्स होगी? भाई देखो, रिएक्शन देख के हम नहीं बता सकते कौन सी एलिमेंट्री है कौन सी कॉम्प्लेक्स है, ये तो मॉलिक्यूलर लेवल पे डिसाइड होगा कि कितने मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट के हैं वो डायरेक्टली कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं या कई स्टेप में कोलिजन से प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसके बारे में हम डायरेक्ट रिएक्शन देख के नहीं बता सकते कि दिस इज एलिमेंट्री और दिस इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर भी मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो तुम देखते हो सारी की सारी कॉम्प्लेक्स ही हैं। अच्छा, एलिमेंट्री हो गई मतलब सिंगल स्टेप में। तो सपोज अगर हम एक एग्जांपल लिखें लाइक ए प्लस बी से प्रोडक्ट, तो हमें दिया गया इंफॉर्मेशन कि भाई ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये हमें दिया गया है कि दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हमें ये बता रही है कि जब एक मॉलिक्यूल ए का एक मॉलिक्यूल बी के साथ कोलाइड करेगा तो उस कोलिजन से प्रोडक्ट पी बनेगा। एक मॉलिक्यूल ए का एक मॉलिक्यूल बी से कोलाइड करेगा तो उस कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा, ये हमको एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन बता रही है। ठीक है ना, तो जो भी रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट होंगी दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। नाउ सेकेंड टाइप जो था दैट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब है अगर रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स ले रही है कंप्लीट होने के लिए, मल्टी स्टेप रिएक्शन है, तो रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब डायरेक्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की टक्कर से कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बन रहा हो जहां, तो वो सारी रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स। मल्टी स्टेप रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, राइट? अच्छा, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। अब सपोज एक मॉलिक्यूल A2 है जो B के साथ टकरा के एक प्रोडक्ट A2B बना रहा है, ये हमको कोई रिएक्शन दी गई है कि मॉलिक्यूल A2 B के साथ टकरा के प्रोडक्ट A2B बना रहा है। अब हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है इस रिएक्शन के बारे में वो भी गिवन है। जैसे स्टेप वन में क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल A2 जो है वो ब्रेक हो रहा है और दो A मॉलिक्यूल बना रहा है। स्टेप टू में ये दिया गया है कि मॉलिक्यूल जो ब्रेक हुआ है 2A में, उसमें से A B के साथ कोलाइड करके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना रहा है। और स्टेप थ्री हमें दिया है कि ये फर्दर A के साथ कोलाइड करके फाइनल प्रोडक्ट A2B बना रहा है। तो हमें दिया कि ये जो रिएक्शन हो रही थी A2 और B के बीच जिससे प्रोडक्ट A2B बन रहा था वो एक्चुअल में डायरेक्ट नहीं हो रही है बल्कि इस तरीके से अलग अलग स्टेप में हो रही है, जिसमें पहले स्टेप में A2 ब्रेक हो रहा है 2A में, दूसरे स्टेप में AB आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट इंटरमीडिएट बना रहे हैं और फाइनल स्टेप में प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो तीन स्टेप की रिएक्शन है। अब तीन स्टेप की रिएक्शन है तो इनमें से कोई स्टेप स्लो भी होगा कोई फास्ट भी होगा, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो ओवरऑल रिएक्शन के रेट को डिसाइड करता है एंड उसको हम लोग बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सपोज मान लेते हैं कि पहला स्टेप है स्लो और सेकेंड थर्ड जो है ये फास्ट है, फर्स्ट स्टेप स्लो है सेकेंड थर्ड फास्ट है, तो फर्स्ट स्टेप ओवरऑल रिएक्शन के रेट को डिसाइड करने का काम करेगा एंड दिस इज कॉल्ड एज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अच्छा, अब रेट लॉ जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो लेक्चर का आखिरी पार्ट होगा जहां पे मैकेनिज्म की मदद से हम रेट लॉ कैलकुलेट करेंगे। फिर भी मैं तुमको एक लाइन बता देता हूं कि जो रिएक्शन में RDS इन्वॉल्व होता है
आरडीएस की मदद से हम रेट लॉ की कैलकुलेशन करते हैं। अब कैसे करते हैं वो पार्ट आगे बताऊंगा मैं तुम्हें आगे वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये तीन स्टेप की रिएक्शन है। पहला स्टेप दिखा रहा है कि ए टू ब्रेक हो रहा है टू ए में, दूसरा स्टेप कि ए बी आपस में टकरा के बना रहे हैं एक प्रोडक्ट इंटरमीडिएट, और तीसरा स्टेप कि ये पी ए के साथ रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है, राइट। अब इन तीनों रिएक्शंस को अगर देखो तो ये तीनों रिएक्शंस एलिमेंट्री हैं। ये तीनों रिएक्शंस को अगर देखोगे तो ये तीनों रिएक्शंस कैसी हैं, एलिमेंट्री। भाई पहली भी एलिमेंट्री है, सेकंड भी एलिमेंट्री है, एंड फाइनल भी एलिमेंट्री है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन जो दिख रही है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर हैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर इन्वॉल्व हर स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन का काम करता है। क्लियर है पॉइंट? तो ये डिफरेंस है बिटवीन एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा वो हम बात करेंगे, कुछ टर्म आते हैं जैसे मॉलिकुलरिटी क्या है, ऑर्डर क्या है, नेक्स्ट हम उसको डिफाइन करेंगे। तुमको रेट लॉ यहां पे क्लियर हो गया, एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्लियर हो गई, रेट लॉ जो बताया था वो सिंपल रेट लॉ है, कॉम्प्लेक्स रेट लॉ आएगा आखिरी में, ठीक है।